योग बाबा जी का उन्होंने जथे का सतसंग जी हूँ आप जी की सेवा विच बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी अतर सिंह जी हैड ग्रंथी गुरद्वारा ज्योति स्वरूप साहब फतेहगढ़ साहब पंजाब तो छोटे साहबजाद्या उस पावन पवित्र स्थान माता गुजर कौर जी उन्हों का पावन पवित्र स्थान जिथे टोडर मल जी ने आप जिया के शहीदी तो बाद संस्कार करवाए उस स्थान की मुख सेवा मुख ग्रंथी की ड्यूटी कथा कीर्तन की सेवा जगह जगह जिथे भी संगत याद कर दया स्थान पर गुरद्वारा साहब विखे बहुत ही प्यार वाली शख्सियत आप जी ने जो बाकी का समा है लगभग अद्धा घंटा सो हाजरी भरनगे सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी अतर सिंह जी गुरद्वारा ज्योति स्वरूप साहब हठ ग्रंथी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित ध्याई है हर पुरख निरंजना, जिह हर सिमरन पया तेह उपाद गत कीने, बड़ पागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीने, जप हर भाव जल तरना, जन नानक को गुर एह मत दीने, जप हर भाव जल तरना। परम पूज्यपाद वालिए कुल आलम हजूरे अनवर सांझे रहबर जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन हजूरी दे अंदर गुरु घर तो भरोसाए हुए महान निर्मल आत्मा ब्रह्मनिष्ठी ब्रह्म श्रोत्री ब्रह्म ज्ञानी श्रीमान संत बाबा गुरदीव सिंह साहिब जी तिना दी सलाना दूसरी मिठी याद दे विच जुड़ मिल बैठे गुरु का खास रूप गुरु स्वरूप गुरु खालसा जी फतेह बुलाओ जी आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सारे पंथ दियां सत्कारक हस्तियां जिन्हां ने इस स्टेज तो हाजरियां भरियां आप जी की सेवा महापुरशां दे प्यार दे विच भेज के हाजरियां भर रहे हो। कवि सर सुच्चा सिंह जी
और संत बाबा जसविंदर सिंह जी, बाबा कोला जी, उन्होंने प्यार च भेज करके महापुरशां दा जस वड्याई कमाई गुरु प्रथाए उन्हां दी आस्था निष्ठा वो आपां नूं सरवण कराया है। गुरदेव जी दे पावन बचन जिस मनुख दे हिरदे दे विच वाहिगुरु दे नाम दा किनका टिक जावे बस जावे उस मनुख दी महिमा कहने कथने तो बाहर चली जांदी है। कौन उस्तत कर सकदा? दशमेश पिता जी एक बचन करदे आ, कहिंदे पिता जन्म जिम पूत ना पावै कहा तवन को भेद बतावै। पिता दे जन्म नूं जिवें पुत्र वो नहीं पा सकदा कि पिता दे भेद पुत्र दस देवेगा। रेस तों भावे तां नहीं आ भी पिता दी वड्याई छड़ दीए, पिता दी महिमा छड़ दीए। अपने बड़े वडेरियां नूं याद करना, बड़ियां दियां कुरबानियां ते पहरा देना, उस मर्यादा नूं तत्पर रखना जिन्हां रावां च उन्हां ने ऐड पाए, उन्हां रावां ते तुरन दा जतन करना जगियासु दा सिख दा फर्ज है। करनियां कमाइयां महापुरशां दियां बहुत बड़ियां होया करदियां, जिवें बाबा भोला सिंह जी कह रहे सी भी साधु केवल परउपकार वास्ते जिउंदे आ, अपणियां वास्ते नहीं, अपणत नहीं है उहदे विच। परउपकार दे जे लफ़्ज़ी अर्थ करने होण, तीन हिस्सों विच इस नूं विद्वानां ने वंडिया। पहला शब्द है कार, कार दा मतलब है कामकार, संसार काम करदा, बड़े बड़े बिजनेस लोकां दे चलदे आ, बड़िया बड़िया फैक्ट्रियां चलदियां ने, बड़े बड़े कारोबार ने, और उस कार्य की सफलता वास्ते वो जतनशील भी ने। कार शब्द विच अपणत है, मेरा काम ये मैं करना है, कार शब्द विच अपणत। पर एक सेवा दी कार है, उहदे च अपणत नहीं, केवल सेवा ही सेवा है, सेवा ही सेवा है, गुरु नूं समर्पित है, जिहनूं असीं कहिंदे कार सेवा, गुरु दी सेवा। ते गुरु दा सेवक जो गुरु नूं समर्पित हो गए ने, जिन्हां ने केवल गुरु दा हुक्म मन्निया, तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाईया, जे समझ आ गई है वे तन भी गुरु नूं सौंपना है, ये शरीर ये श्वास गुरु दे लेखे लाने ने, और गुरु साहब दे हुक्म नूं मनना है,
जो जो हुक्म होया उसनु मथे सिर प्रवान कीता मन्या अपनत कोई नहीं रखी केवल सेवा गुरु दी कार गुरु दी सेवा गुरु दी बड़ियाई गुरु दी महिमा होर कुछ भी नहीं है बस हर याद विच हर फिता विच हर पल विच केवल है ते गुरु दी याद है याद ते जिन्हां ने गुरु नूं याद कीता ते गुरबाणी दा ए पावन वचन है जन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा जिन्हां ने सतगुरां दी पूजा कीती उन्हां दी वडियाई मेरे मालिक ने उन्हां दी पूजा करा दित्ती आ उन्हां दी वडियाई करा दित्ती आ। इतिहास की घटना विचों एक घटना लवां कि मान अपने प्यारे नूं गुरु साहब बख्शदे आ किन्नी वडियाई महाराज अपने प्यारे नूं बख्शदे आ। गुरदेव जी दे माता गंगा जी गुरु हरगोबिंद साहब जी दे माता जी गुरु अर्जन साहब पातशाह जी दे महल बेनती करदे आ महाराज इस घरों सब दियां झोलियां भर दियां ने ये दर कोई आम दर नहीं ये दर बाबा नानक साहब जी का घर है। इतने जो शरण च आया महाराज साहब उन्हूं गल बकड़ी च लै लैंदे आ जा तू मेरी शरण च आया जो शरण आवे ते इस कंठ लावे बिरद स्वामी संदा मेरे सतगुरां दा बिरद है। जो भी शरण च आ जावे उन्हूं महाराज गल बकड़ी च लै लैंदे आ। असीं अपने कीते होए कर्मा करके भुल गए हाँ पर गुरु की कृपा हमेशा मिलती है हमेशा जोड़ती है। शरण आया दी लाज रखती है गल ना लाउंदे आ। ते महाराज इस घरों सारी दुनिया झोलियां भर के लैके जाती है दुध वालियां नूं दुध मिलता पुत वालियां नूं पुत मिलता धन वालियां नूं धन मिलता मान वडियाई वालियां नूं वडियाई सन्मान ते सत्कार मिलता। बाबा नानक साहब दे घर च कादी कमी आ ते जे कमी आ ते साडियां सौड़ियां सोचां च कमियां रह गईयां ने। सिखो सतगुरां विच कोई घाट नहीं ते जे घाट है ते साडे विच घाट है। अज ये हजारां दा इकट्ठ महापुरशां दी याद च जुड़ मिल बैठना उन्हां नूं इस गल दी समझ आ गई गुरु नानक दे घरों जिहड़ा मर्जी झोलियां भर के लैके जा सकदा ते महाराज अपने दासां दी वडियाई करदे आ अपने दासां नूं मान ते सन्मान दिंदे आ। माता गंगा जी कहिंदे आ मैं सब झोलियां भर के लैके जांदे आ ते मेरी झोली खाली आ कृपा करो इस घरों झोली च दात पा दिओ। ते साहिब जी दे बचन बड़े प्यारे ने गुरदेव गुरु अर्जन साहब शहीदां दे सरताज जिन्हां दा कल शहीदी पुरब मनाया समुचे खालसा पंथ ने समुचे सिख जगत ने देसा परदेसा विच गरीब निवाज कृपालू दाता जी दे बचन ने महाराज कहिंदे जो कुछ भी इत्थे साडे कोल है ये सारा कुछ गुरु कीआं संगतां दा है। बचन दे कुछ किड्डा प्यारा है जो कुछ भी मेरे कोल है ये मेरी संगत दा है ते जो संगत दी सेवा करदा है उस दी झोली कदे खाली रहिंदी नहीं। बचन बड़ा प्यार वाला है गुरु की संगत दी सेवा करके गुरसिखां दी सेवा करके जो चाहो प्राप्त हुंदा है जो चाहो दुध पुत ज्ञान विद्या जो कुछ भी तुसी चाहो गुण चाहो संसार च वडियाई चाहो पदार्थ चाहो मान माया चाहो जो भी चाहो
सब कुछ गुरु की सेवा चो प्राप्त होंदा लभदा है। कार सेवा वाले महापुरख आन के विराजमान हो गए दिल्ली वाले बाबा बचन सिंह साहब जी। एक बचन बड़ा प्यारा गुरु के भरोसे दे महापुरखां दा। एक बार एक प्रेमी कहिंदा बाबा जी भई तुहे एडे एडे वड्डे वड्डे कार्ज किवें कर दिंदे जे, इन्नियां इन्नियां तुहाडियां सेवावां चलदियां, इन्ना कुछ तुहाडा इत्थे ते एक घर बनाउणा होवे ना बंदे ने, एक अपना घर मकान पाउणा होवे बंदे दे बाले निकल जांदे आ, बस हो जांदी आ घर बनाउंदिआं बनाउंदिआं। तुसीं हजारां गुरु दे घर बनाए आ ते इन्नी माया तुहाडे कोल कित्थों आउंदी आ, तुहाडे कोल किहड़ी बिंग तलंगी आ, गिदड़ सिंगी आ, किहड़ी रिद्धी ते सिद्धी आ। महापुरख कहिंदे भाई इहदा जवाब तैनूं कल नूं दवांगे, अज नहीं, जवाब दवांगे जरूर पर दवांगे कल नूं। अगले दिन बुला लिया उसनूं, इहदे सवेरे अमृत वेले आ जी आ गए। प्रेमी आया कहिंदे चक भाई इह टोकरा, इह टोकरा चक ते चल, तैनूं दसीए वे सेवावां किवें चलदियां ने गुरु नानक दे घर दी। टोकरा उहदे सिर च चकाया, चौंक दे विच आए बंगला साहिब गुरुद्वारे दे महापुरख, उत्ते जाके होका दिता सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। बस अमृत वेले जदों नामी नाम दे विच जुड़ गए महापुरश, ਬਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਟੋਕਰਿਆਂ ਚ ਥੱਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥੱਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਤੇ ਆ। ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸ਼ੋਂ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਦੇ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆਪ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਲਟਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਭਾਜਣਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ? ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਅੱਛਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ,
बाबा बुढ़ा साहब ब्रह्म ज्ञानी उन्होंने कहे बचन, देखो महाराज किन्हें जो कहता वो अटल ती अमर है, वो कदे मिटेगा नहीं। भाजना ते पैन गिया ये बचन कहता, भाजना पैन गिया ते पईयां भी। सो गुरु खालसा जी महाराज साहब कहिंदे इदां नहीं, गुरु नानक दे घरों जिन्ने भी लिया ना अज तक, भावे कोई महापुरख ने कोई गुरमुख ने तत वेते है संत समूह अनेक मती के जिन्ने भी अनेक मतां दे संत ने ना, मिशन सारियां दा इक्को ही है, गुरु नाल जुड़ना तो गुरु नाल जोड़ना। मैं महापुरशां दे बचन सुन रहा सी, ये 80 ते 90 दे दहाके विच जदों महापुरशां ने प्रचार प्रसार आरंभ किया, बस एक रखिया भी गुरु नाल जोड़ना तो गुरु नाल जोड़ना। जेड़ा भी कोई महापुरख बाबा गुरदीप सिंह साहब की शरण च आउंदा ना, बाबा जी भजन करो, कोई घर दे हालात ठीक नहीं है, बाबा जी ने कहना प्रेमिया तू अमृत छकिया, नहीं बाबा जी अमृता नहीं छकिया, फिर पहला गुरु वाला बन, गुरु ते तायों सुनेगा, जे तू गुरु वाला बनेगा ते जिन्ना चिर गुरु तो बेमुख होया फिरदा ते बड़े बड़े बेमुख हो गए ने। जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे, ये भजन करिया कर दे महापुरश। जे गुरु तो कोई बेमुख होया ते गुरु तो बेमुख है ते कहिंदा भी हुण महाराज अरदास करो साड़ी भी सुनी जावे, कहिंदे भाई तू पहला गुरु वाला ते बन, गुरु नूं दस ते सही वे गुरु जी हुण मैं तुहाडा धी ते तुहाडा पुत्तर, जदों असीं धी पुत गुरु दे बन जावांगे ते मां बाप फिर अपने आप फिक्र करदे आ। बाबा गुरदीप सिंह साहब दे बचन ने 80-90 दे दहाके विच महापुरश दसदे सी, संत बाबा सतनाम सिंह जी बे 90 दे दहाके विच उन्हां ने 5 लाख प्राणियां नूं अमृत छका दित्ता सीगा, 5 लाख। ये तो 90 दी गिनती है, उस तों बाद 2021 तक किन्ने लाख प्राणियां नूं गुरु नाल जोड़िया अमृत छकाया। बे जिहड़ा भजन गुरु साहब जी ने कहा सी ना भी हुण अमृत छकना सारियां वास्ते लाजमी होवेगा, ये प्रचार ये गुरमत मिशन रूहानी मिशन कायम किया, और सारे इलाके दे विच बड़ी दूर दूर तक जिथे गए अमृत छकाया, गुरु पंथ की सेवा की, गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाया महापुरशां, और जिहड़ा कहिण लखां प्राणियां नूं अमृत जगा के गुरु के जहाजे चढ़िया, तुहाडे विच भी कई प्राणी बैठे होणगे जिन्हां ने नेड़े होके संगत माणी, जिन्हां ने महापुरखां दी प्रेरणा दे नाल अपना जिहड़ा जीवन बिगड़िया होया उहनूं सवारिया, क्योंकि जदों असीं अपना जीवन बिगाड़ लैंदे आ बुरी संगत हमेशा बिगाड़दी आ, ते गुरमुखां दी संगत महापुरखां दी संगत जीवना जीवन सुधार दिंदी आ, जीवन दा भला कर दिंदी आ। साडे विद्वान एक धारणा पढ़दे आ, मैं भई कोई रमता जां जोगी मिलिया जीवन बना गया, ते साडे पता नहीं किन्नियां दा जीवन महापुरखां ने बनाया। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਈ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਡਰਮ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਗਤ ਨੈਨੋ ਡੀਠੀ, ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਰਤਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਡਰਮ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋੜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ।
जिन्हां घरां च शराबां दे दौर चलदे सी उन्हां घरां च अज अमृत वेले अमृत बाणी दे प्रवाह चल रहे ने। ये महापुरशां दी कमाई है, महापुरखां दी कमाई। ते महाराज साहब कहिंदे जो हर दासन की उस्तत है, इत्थे हरी दे दास किया, हरी दे दास जो हरी दे दासां दी उस्तती है। महाराज कहिंदे हरी दे दासां दी उस्तती विच गुरु के प्यारियां दी उस्तती विच भी मेरे साहिब दियां वडियाईयां लुकियां होईयां ने। जो हर दासन की उस्तत है सा हर की बड़ियाई, हर हर अपनी बड़ियाई भाव दी जन का जयकार कराई। हर मन तन बसिया सोई, जद मन विच तन विच केवल सोई ओही वाहिगुरु परमेश्वर अकाल पुरख जी बस जान, फिर दुनिया च कोई ऐसा नहीं जिहड़ा उन्हां दियां जय जयकारा ना करदा हो। किनका भी जिस दे हृदय च बस जावे ना, मैं पहला शुरू की बात दी बचन कहे सी, एक किनका भी जिस किसे दे हृदय च बस जावे, पाजा कहिंदे तां की महिमा कनीना आवे, उहदी महिमा कहणे कथने तों बाहर चली जांदी है। जय जयकार करे सब कोई, जय जयकारा हुंदियां, जय जयकारा याद रखियो हुंदिया ही नहीं रहिंदी दुनिया तक हुंदिया रहणगियां, जय जयकारा हुंदिया नहीं रहणगियां, जय जयकारा हुंदिया रहणगियां, क्योंकि उन्हां दियां वडियाईयां उन्हां दियां कमाईयां जदों असीं किते वेखदे आं वाचदे आं शीश झुक जांदा है। जदों पंथ दे उत्ते बड़ा कष्ट दा समा आया, जून दा महीना चल पैना 84 दा, सो महापुरशां ने गिरफ्तारियां भी दित्तियां, जेलां भी कट्टियां बाबा गुरदीप सिंह साहिब जी ने। एक बचन महापुरशां होर सुनाया, एक भिखी पिंड दा थानेदार सी हजारा सिंह, ओह कहण लगा भी जिन्ने भी फड़े हुए ने इन्हां सारियां नूं मुकाबले च मार देना सारियां नूं। ते महापुरश बाबा गुरदीप सिंह साहिब जी दे जिहड़े साथी सी के चार या पंज बंदे, उन्हां नूं गोली मार दित्ती, शहीद कर दित्ता, साथी सी महापुरशां दे। ते हजारा सिंह ने जदों गोली मार दित्ती, फिर महापुरख संत बाबा गुरदीप सिंह जी नूं भी मुकाबला बना के मारन लगा, पर जीदे राखे वाहिगुरु परमेश्वर अपने प्यारे दे हुण कौन मार सकदा। मारे राखे एको आप, मानुके किछ नाहीं हाथ, तिसका हुकम बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। ते जे महापुरखां कोलों तां हले सेवावां लैणियां सी ना, तो किवें मार दिंदा थानेदार। उन्हें मुकाबला बना लिया महापुरखां नूं गोली मारन वास्ते, ते जदों ऐन गोली मारन लगा ते उहदे घरों सुनेहा आ गया वी तेरी घर दी मर चली आ, छेती आ जा। उह मारन ते महापुरखां बाबा गुरदीप सिंह जी नूं सी, ते उल्टी खेड ऐसी बरत गई उहदे परिवार जी, उहदी घर दी जी ढिल्ली हो गई, उहनूं भज्जणा पिया। कहिंदा मारना ते मैं तुहानूं सी, उल्टा मैं ही मर चलिया, जे हुण भज्जिया घर नूं उत्थे छड्ड दित्ता। ऐसे तीबर तम बराग तत वेते ब्रह्म ज्ञानी महापुरखां दी याद, याद रखियो जिउंदिआं ते पता नहीं किन्ना कुछ महापुरखां ने साडा सवारिया। गुरमुखा जाण तों बाद भी महापुरखां पता नहीं किन्ना कुछ साडा सवारना, जन्म मरण दे विच तां है ही नहीं, आउणा जाणा ते है ही नहीं। जे असीं अज कहीए महापुरख हुण साडे तों चले गए, शरीर करके बेशक भावें ओले होण, पर साधु कदे मरदा नहीं है। जिहड़ा मर गया उहनूं साधु किवें कहांगे, जिहड़ा मर गया उहनूं साधु नहीं कहिंदे। शरीर करके भावें ओले हो जाण, पर उहनां दीआं कुर्बानियां, उहनां दे दसे होए राह, उहनां दे उपदेश, उह तुहाडे हिरदिआं चों निकल जाणगे कदे।
कदाचित भी नहीं प्रेमी दे हृदय विचों गुरमुखां दा प्यार गुरमुखां दा सत्कार उन्हां दा दित्ता मान उन्हां दीआं वडियाईआं जो साडी जिंदगी उन्हां सवार दित्ती है अज पता नहीं असीं कित्थे होणा सी ते की होणा सी साडा पर संग होया गुरमुखां दा ते महाराज साहिब दे बचन ने जब ते दर्शन भेटे साधु भले दिन सोए आए बड़े चंगे दिन आ गए साडे जदों दीदार हो गए गुरु के प्यारियां दे गुरमुखां दे साधुआं दे ओह दिन साडे दिन बदल गए साडे दिन चंगे हो गए संत महाराज संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहिब वाले महापुरखां दे दर्शन करके संत बाबा बरियाम सिंह जी रतवाड़ा साहब वाले महापुरखां दा जीवन बदल गया संत बाबा रतवाड़ा साहब वाले महापुरख बाबा बरियाम सिंह साहब जी दे दर्शन मेले करके बाबा गुरदीप सिंह जी दा जीवन बदल गया बाबा गुरदीप सिंह जी दे हुक्म दे विच रह के बाबा सतनाम सिंह जी कनेडा दी पीआर छड़ के संगत दी सेवा च बैठे हुए ने गुरु साहब दियां बख्शिशां गुरु साहब दियां वडियाईआं ने महाराज कहिंदे जदों मन ते तन च वाहिगुरु बस जावे फिर उन्हां दियां जय जयकारां होणियां ही होणियां कौन रोकेगा ते जिहड़े रोकदे आ उह अपना नुकसान कराई लैंदे आ महाराज साहब दे बचन ने महाराज साहब कहिंदे ने संत जो भी अपने मुख तों बोल दिंदे आ ना ते दुनिया दे लोको बचन ही होया करदा संतां दा ते आ समझ लो वे पत्थर ते लकीर है पत्थर टुट जावेगा लकीर मिटदी है नहीं नानक विचार है संत मुन जना चार वेद कहंदे भगत मुखे ते बोलदे से बचन होवंदे प्रगट पार है जापदा सब लोग सुनन दे सुख ना पाइन मुगद नर संत नाल खहन दे ओए लोचन उना गुणे नु ओए ओंकार सड़न दे ओए बेचारे क्या करे जब भाग धुर मंदे जो जो संत सरापिया से फिरे भवन दे पेट मुडाहू कटिया तिस डाल सुकन दे इना बचना नु विचारो ध्यान दे नाल महाराज साहब कहिंदे संत जन मुनि जन ऋषि तत वेते महापुरख चारे वेद ए गल कहिंदे आ चार वेद कहंदे भगत मुखे ते बोलदे से बचन होंदे जो ना मुख तों कह दिता ना ओ प्यारियो बचन होया करदा उहनां दा बचन एक धालीवाल नगर दा जिगर याद ज आ गया उत्थे ना एक सैकड़े बिकियां दा